तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो फ्रेंड हमेशा की तरह आज भी आप सभी के बीच में एक न्यू टेक्निकल वैकेंसी के नोटिफिकेशन के साथ तो बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, HAL में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, बीटेक स्टूडेंट के लिए और ITI स्टूडेंट के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं हम इसके ऑफिशियल साइट पे हैं, यहाँ पे आने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ देंगे, लिंक पे क्लिक करके आप भी यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आने के बाद एडवर्टीजमेंट को भी डाउनलोड कर लीजिएगा और फॉर्म को भी बड़े आराम से अप्लाई कर लीजिएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप अप्रेंटिसशिप की जॉब भरना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्म को बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सैलरी भी ठीक ठाक है, 9000 पर मंथ सैलरी होने वाली है। तो देखिए आप सबको करना क्या होगा, जैसे आपको यहाँ पे आएंगे तो आप नीचे चलेंगे कैरियर सेक्शंस में, तो आपको यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन नासिक एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एट HAL नासिक 2022-23 ग्रेजुएट डिप्लोमा, और नीचे एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग HAL नासिक 2022-23 ITI। तो यहाँ पे ग्रेजुएट के लिए भी, मतलब बीटेक के लिए, डिप्लोमा के लिए, ITI के लिए, तीन स्टूडेंट के लिए अप्रेंटिसशिप करने का रिक्रूटमेंट आउट हो चुका है। तो चलिए इस एक नोटिफिकेशन को हम कर लेते हैं डाउनलोड, उसके बाद सारी चीज़ों को करते हैं क्लियर। कितना नंबर ऑफ पोस्ट आया हुआ है, कब इसका फॉर्म भरा जाएगा, कब तक फॉर्म भरा जाएगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सारा चीज़। तो चलिए जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो इस नोटिफिकेशन को कर लेते हैं हम डाउनलोड। आप यहाँ पर देख सकते हैं डेट ऑफ, मतलब ये 22 जुलाई से फॉर्म भराना स्टार्ट है, 10 अगस्त तक ये फॉर्म भरा जाएगा और इसके PDF को कर लेते हैं डाउनलोड। तो जैसे इसके PDF को हम डाउनलोड किए, ये PDF आप सबके सामने खुल रहा है, प्लीज एक सेकेंड वेट। तो देखिए ये ऑफिशियल PDF आप सबके सामने आ चुका है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एयरक्राफ्ट डिवीजन नासिक। और वैकेंसी डिटेल्स की हम बात करें तो देखिए एरोनॉटिक्स इंजीनियर के लिए 5 रिक्रूटमेंट, कंप्यूटर इंजीनियर के लिए 7 रिक्रूटमेंट और सिविल इंजीनियर के लिए 4 रिक्रूटमेंट और इलेक्ट्रिकल के लिए 13 रिक्रूटमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 15 रिक्रूटमेंट, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 43 रिक्रूटमेंट, प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए 4 और फार्मासिस्ट के लिए 3 और नर्सिंग असिस्टेंट्स के लिए 5। टोटल 99 रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए। देखिए यहाँ पे ग्रेजुएट इन द रिस्पेक्टिव ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, तो जिस जैसे सिविल लिखा है तो सिविल ब्रांच से आप सब ग्रेजुएट होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल लिखा है तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक, आगे देखिए यहाँ पे डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप स्टाइपेंड्री 8000 पर मंथ। देखिए डिप्लोमा वालों को 8000 पर मंथ मिलेगा और बीटेक वालों को 9000 पर मंथ सैलरी होने वाली है। ठीक, तो इनका देखिए सिविल के लिए 4, कंप्यूटर इंजीनियर के लिए 6, इलेक्ट्रिकल के लिए 15, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर के लिए 12, मैकेनिकल के लिए 33, लैब असिस्टेंट्स के लिए 3 और होटल मैनेजमेंट के लिए 3। टोटल 79 पोस्ट निकल के आ रही है। ठीक, एलिजिबिलिटी क्या है, सेम ब्रांच से डिप्लोमा होना मस्ट है, जो जो ब्रांच से आपका पोस्ट कोड है। ठीक, आगे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो क्लियर हो चुका होगा, एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। रिजर्वेशन दे रहा है कि द रिजर्वेशन ऑफ एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप विल बी एडमिसिबल एज पर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। कैटेगरी रिजर्वेशन कोटा है 10% छूट मिलेगा, SC को 9%, OBC को 27%, PWD को 4%, EWS को 10%। आगे देखिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाउ टू अप्लाई, इसमें को आप कैसे अप्लाई करेंगे। स्टेप फर्स्ट में है आप सभी को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, स्टेप फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप सभी को एक पासवर्ड और एक कैंडिडेट लॉगिन ID मिलेगा, उसका यूज स्टेप टू में करेंगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। ठीक, फॉर्म फीस नहीं होगी, अप्रेंटिस किसी भी अप्रेंटिसशिप की फॉर्म फीस नहीं होती है, 0 रुपये होगा। और इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं लास्ट में, तो अप्लीकेशन टू अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बीइंग 22 जुलाई से फॉर्म भराना स्टार्ट है, 10 अगस्त तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक, और टेंटेटिव डेट फॉर डिस्प्ले ऑफ शॉर्ट लिस्टेड सेकेंड वीक ऑफ सितंबर, सितंबर के सेकेंड वीक में आप सभी का रिजल्ट भी आ जाएगा शॉर्ट लिस्टेड, जो भी स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड होंगे उनका। ठीक, और टेंटेटिव शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 16 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त के बीच में आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यहाँ पे एग्जाम आप सभी का नहीं होगा। ठीक, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। सॉरी फ्रेंड्स, माफ़ कीजिएगा, ये एक चीज़ जब हम बोले कि एग्जाम नहीं होगा, यहाँ पे एग्जाम होगा आपका, यहाँ देखिए साफ साफ दिख रहा है, कैंडिडेट हु पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड प्रोसेसिंग ओरिजिनल प्रोविजनल सर्टिफिकेट आर ओनली एलिजिबल। ठीक, तो आप सभी को पहले एग्जाम पास करना पड़ेगा, उसके बाद DB होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो चलिए
फॉर्म को अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ देंगे, बाकी ऑफिस साइट पे जाने का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ देंगे। अगर आप ITI स्टूडेंट हो तो आप अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं इस नोटिफिकेशन और डेट्स अब तक आप क्लियर हो चुके होंगे। लास्ट में बस यही कहना चाहेंगे, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अब इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, खासकर पॉलिटेक्निक के हैं, ITI के हैं, BTech के हैं, आप JEE प्रिपरेशन करते हैं, 1 प्रिपरेशन करते हैं, टेक्निकल वैकेंसी तैयारी करते हैं, किसी भी ऑल इंडिया रिलेटेड कोई भी टेक्निकल वैकेंसी तलाश में है आप, और आप चाहते हैं कि ऑल इंडिया रिलेटेड कोई भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन अपडेट है आप तक इन्फॉर्म होते रहे, आप तक सारी चीज़ें पहुँचती रहे, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं एक नए टेक्निकल वैकेंसी के नोटिफिकेशन अपडेट के साथ, एक नए उम्मीद, एक नए जोश के साथ। बिग बैंग थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून नेक्स्ट टाइम।